सेट वेट ये वो सब गिरे पड़े नीचे। Hey, what's up guys? Welcome back to another YouTube vlog. होप करता हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गुड आफ्टरनून टू ऑल। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। गुड इवनिंग। इवनिंग होगी है? अच्छा इवनिंग होगी, 6 बज गए यार। मतलब कुछ लोगों के लिए अभी 6 नहीं बजे हैं। अभी हम घर से निकले हैं 5:45 पे। ये कुछ लोगों के लिए जो मेरे को ऑफिस में मिलेंगे जाके, हम 5:45 पे ही घर से निकले हैं, ये हम बताना चाह रहे थे। हम लेट नहीं निकलते हैं। सो हम का मतलब है मेरे साथ मेरा एक और फ्रेंड है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप उसको नहीं, 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 रेडी तो होने दो यार, 2 मिनट। क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ, रेडी होने दो। अरे यार रेडी क्या होना है। सो गाइस यार देखो, इस बंदे को मैं पहले भी इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, पहले भी मैं व्लॉग में ला चुका हूँ, बट अभी ये थोड़ा सा ना मतलब शर्मा रहा है। क्या शर्मा रहा है, मतलब जनानी थोड़ी ना मैं। यार ये तो आपको पता होगा। सो गाइस इनको आप जानते हो, जसप्रीत। अच्छा हुआ अंगूठा दिखा और कुछ नहीं। लास्ट टाइम की तरह कुछ और नहीं दिखाना हमें। तो अभी एक्चुअली में हम ऑफिस जा रहे हैं और इनको मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूँगा क्योंकि इनका इंट्रोडक्शन 2 बार हो चुका है। ये है हमारे मित्र जसप्रीत गिल और इनका ना ये 17 इंच का है बाइसेप है भाई, बाइसेप है। और तीसरी बार वही करूँगा तो फिर आप समझ जाओगे ना यार क्या बार बार वही इंट्रोडक्शन कर रहा है। सो ये 18 इंच वाले हैं और 2 इंच वाले अभी ऑफिस में हैं। उनसे मिलने जा रहे हैं, मतलब ऑफिस में मिलेगा वो, अगर उसका मूड हुआ तो उसको इंट्रोड्यूस करूंगा, अदरवाइज आपको पता है कौन है 2 इंच वाला। 2 इंच वाला है ना वो, 2 इंच रजत इसी का मैं कह रहा था, 10 इंच का है, मतलब वो बाइसेप्स, बाइसेप्स। क्या है क्या है? नहीं 9 इंच, 2 इंच। 9 इंच कह रहा है। ऐसा कौन सा होता है भाई? 2 इंच बाइसेप्स, बाइसेप्स ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, बाइसेप्स और कुछ नहीं। क्या नमस्ते अंकल जी, पहचानिया? यार एक बात बता, तूने भी स्पीड तेज चला के आया ना, 61-62 थी। हाँ। तो पीछे कैमरा था, तूने देखा नहीं? नहीं नहीं, पीछे कैमरा था भाई। नहीं यार, 60 थी, 62 थी, मैंने देखा उसमें भी, और तूने तभी कैमरे से वो किया है। भाई 62 पे चलान कट चुका है मेरे फ्रेंडों का 2 बार हो गया काम। और नहीं यार 60 पे थी, कुछ नहीं होता यार। अरे नहीं 62 पे थी भाई, 61 पे कुछ नहीं होता। मेरा 61 पे कटा भाई, मेरे फ्रेंड का दिल्ली में 61 पे ही चलान कट रहे हैं एक्चुअल में, मतलब स्पीड लिमिट 60 है तो 61 पे चलान कट रहा है, ये एक्चुअल में हो रहा है। ये गाड़ी किसके नाम पे, तेरे नाम पे, पापा के, भाई के नाम, भाई के नाम पे है। तो फिर घर में कुटाई। अब घर जाएगा चलान। सो गाइस यही मैं आपको बताना चाह रहा था, सावधान रहे, सतर्क रहे। इन भाई साहब जी का चलान कट चुका है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ऊपर कैमरा था जब मैंने आपको दिखाया, और इनकी स्पीड जो थी वो 60 से ऊपर थी। मैं जैसे एक रोड का कैप्चर मतलब कर रहा था व्यू, बट सडनली मेरा फोन ऊपर चला गया और भाई देख मैंने जो देखा वो 62 पे थी स्पीड आपकी। कोई नहीं, भर देंगे 2000 और की। ये खाली कैमरे के लिए बोल रहा है, वहां जाकर सर पकड़ेगा अपना। कोई नहीं कोई नहीं, इंसेंटिव आ रहा है ना। उसी से कटेंगे पैसे। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। क्या हो गया? सच में कट गया चलान है। एक साइड ले ले, अंकल की गाड़ी में मत ठोक देना। इधर भी चलान आ जाएगा। हाँ इधर इधर तो फिर रोड जाम होगी। बट एक्चुअल में यार देख मेरे को तो दिखी थी तो इंसेंटिव जाएंगे यार। इंसेंटिव गया पूरा, पूरा नहीं मतलब इससे ज्यादा इंसेंटिव। 2000 का चलाना है ना, बच जाएगा 30-40% इंसेंटिव चला जाएगा है ना। और की कोई नहीं, देखो टक्कर ही मार दी भाई, क्या कर रहे हो। हमारी गाड़ी से ही टक्कर मार दी भाई, चलान के पैसे नहीं। ये देखो ये देखो, अरे क्या हो रहा है भाई, लोगों को क्या हो गया। ये भाई साहब जी अभी यहाँ पे टक्कर लगने वाली थी इनकी। यार ऑफिस जा रहे हैं आराम से, धीरे धीरे गाड़ी चला के हम
पहले पछता रहे हैं कि चालान कट गया है जी। एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। हाँ ये कर लो पहले। अरे वो ऑफिस आने वाला ना, इसलिए मैं रेडी हो रहा था। ऑफिस पहुंच के फिर हम आपको थोड़ा बहुत और सीन दिखाएंगे जब हम लंच पे जाएंगे। अरे नहीं, लंच से पहले हम मतलब एक और मील ब्रेक होता है हमारा। एक्चुअली हम घर से दो टाइम का खाना लाते हैं और ऑफिस से जो फ्री का खाना मिलता है वो भी ले लेते हैं। उसके बाद हम ऑफिस से खरीद के भी खाना लेते हैं, तो हम चार बार खाना खाते हैं ऑफिस। तो अगर दूसरे शब्दों में कहे तो हम ऑफिस जाते ही खाने के लिए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। कहाँ से आते हैं? एक हमने बीच में ले लिया था, वो हम दिखा नहीं पाए। अरे देखो राइस एंड पता नहीं क्या क्या, रोटी दाल, स्प्राइट। स्प्राइट समझ रही हो? स्पार्टर गैस पूरी। सो गाइस अभी हम पेट्रोल भराने उतरे हैं। जसप्रीत थोड़ा सा सैड क्योंकि चलान कट चुका है। डर लग रहा है घर पे जाके क्या सुनने को मिलेगा अभी यार, है ना? टेंशन नहीं ले, कोई 2000 तो भरने हैं, भर देंगे, पैसे बहुत है। तो अभी हम यहाँ पे रुक गए हैं क्योंकि इस टायर की हवा बहुत कम लग रही है। अरे भाई जी ले के मशीन, कितने मशीन पंप भरने दी। वेखो ऐरी मशीन हवा भरांगे। पहले मैनुअल पढ़ लिए। अरे इसमें मतलब इसकी तार कहाँ है? तो हो गई। अरे चेक कर ले, पंचर वाला मत बन। क्या भाई चेक तो कर ले, रोई भी है पूरी। चलो चलिए भी घर, रखो रखो। सो गाइस फाइनली हमारा जो टायर जो खराब था गाड़ी का, मतलब पंचर नहीं था, हवा कम थी, वो फुल हो गया है। फुल नहीं हुआ, थोड़ा सा हो गया है। तो अभी घर तक चले जाएंगे आराम से उस पर, और बाकी फिर ये घर जाके ठीक करा लेगा। बट ये भाई ना अभी खुश नहीं है, इसको वही सदमे में है अभी कि चलान कट गया होगा। घर पे किसी के पास मैसेज आया होगा कि नहीं आया होगा, भाई के पास मैसेज ना आ गया हो, पापा को ना पता लग गया हो, या कि फिर पापा बोलेंगे कहाँ चला रहे थे इतनी स्पीड में गाड़ी एंड ऑल। 61 भाई हंसता है जब भी मैं फोन इसकी तरफ करता हूँ, ये हंसना स्टार्ट कर देता है। ये अपना सैड फेस दिखाना नहीं चाह रहा, बट हाँ अंदर से बहुत सैड है, टूट गया ये। धोखा हो गया, बट कोई नहीं, आगे से कंट्रोल में मतलब लिमिट में चलाइयो, लिमिट में चलाइयो। चल यार मैं एक चीज बता देता हूँ तेरे को, ठीक है? वो जहाँ पे तू गाड़ी लेके गया ना, वहाँ का जो कैमरा है वो बंद है,
वो नहीं चल रहा होता। अच्छा, क्योंकि मैं दो तीन बार जा चुका हूँ वहां पर, वो मेरा कभी चलान नहीं कटा। मैंने स्पीड में चलाई है वहां पे, मतलब 65-70 पे मैं लेके गया हूँ गाड़ी, बट मेरा कभी चलान नहीं कटा। तो वो कैमरा बंद है, वो खराब है कैमरा। सही है, चलो शक्ल नहीं दिखा रहा, हाथ रख लिया ऐसे ऐसे। शर्मा गई, क्या बोला तूने? शर्मा गई, अच्छा बात नहीं है।